हेलो दोस्तों, देवर क्रॉस क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 10 मिनट में फॉर्म फ्लावर का गार्लैंड कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा उसको हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग का ये रिबन है, तो ये सिल्वर शाइनिंग रिबन है। ये थोड़ा अलग टाइप से रिबन है, तो आप लोग को एक नॉर्मल भी मिलता है उसको भी ले सकते हैं, पर मैं ये ली हूँ। और उसमें हम लोग का ये लकड़ी का मोती है फ्रेंड्स, देखिए ये लकड़ी का मोती भी मार्केट में मिल जाता है। और हम लोग का ये भी चाहिए, ये वाइट मोती है। और मैं हतम बताती हूँ आप लोग को कि ये जो हम लोग का सितारा है ना, ये भी हम लोग को चाहिए। उसके बाद ये जो ये बड़ा साइज का मोती है, तो ये भी चाहिए हम लोग को। और ये हम लोग का फॉर्म फ्लावर है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, ये लकड़ी का मोती का साथ में बनाएंगे। और उसमें हम लोग का ये ग्लू गन भी चाहिए, हॉट ग्लू। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको हॉट करके रखे हैं, गरम करके रखे हैं, तो ये हम लोग का आ रहा है देखिए। तो पूरा एकदम से ये नरम आना चाहिए, नहीं तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो देखिए, हम लोग को यहाँ डालना है इसको, थोड़ा ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स हम लोग को, क्योंकि वो ना निकले। देखिए, हम लोग इतना ज़्यादा डाले हैं, इसको अभी हम लोग को यहाँ चिपकाना है। देखिए ऐसे करके एक मिनट जैसे पकड़ के रखना है, ये सूख जाए तभी दूसरा हम लोग इधर डाल सकते हैं। ऐसे करके डाल सकते हैं, ये नहीं सूखेगा तो ये निकल जाएगा, तो इसको हम लोग को सूखने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चारों तरफ ऐसे ही डाल दिए हैं, तो ये हम लोग का अच्छा सहज आया है। छोटा वाला फॉर्म फ्लावर में भी यही लकड़ी का मोती ही लगेगा, ताकि गार्लैंड हम लोग का थोड़ा सा मोटा आ सकता है। तो देखिए, ये ज़्यादा ही मोटा आएगा, और छोटा वाला फॉर्म फ्लावर में थोड़ा सा पतला आएगा। तो ये देखिए हम लोग डाल दिए हैं, तो ये हम लोग का इतना सारा बना के कम्प्लीट किए हैं। तो देखिए, अभी हम लोग इसका गार्लैंड सेटिंग करेंगे। देखिए, तो देखिए हम लोग यहाँ धागा डाल दिए हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग पहला ये बड़ा साइज का मोती डाले हैं, इसको भी गांठ लगाना पड़ता है, तो हम लोग इसको गांठ लगा दिए हैं। उसके बाद चार पीस मोती डाले हैं, उसके बाद हम लोग सितारा डाले हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर में ये हम लोग का रिबन डालेंगे, रिबन ये दो पीस ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं दो पीस डाल रही हूँ। तो अभी हम लोग इसको डाल दिए हैं, अभी हम लोग को यहाँ दो पीस मोती डालना है, यही साइज का मोती हम लोग को डालना है दो पीस। तो ये हम लोग जब ये फ्लावर को बैठाएंगे तो फ्लावर के अंदर ये रिबन घुस जाएगा, इसीलिए हम लोग को इधर दो पीस मोती डालना है। फिर हम लोग को ये सितारा भी डालना है इधर से। देखिए, हम लोग इसको बैठा लिए हैं ऐसे, अभी हम लोग इधर ना अभी सितारा डालेंगे। देखिए, ये सितारा डालेंगे यहाँ, उसके बाद हम लोग को चार फ्रेंड्स हम लोग इधर दो पीस डाले हैं, इधर भी हम लोग को दो पीस डालना है, फिर हम लोग को सितारा डालना है, फिर हम लोग को ये रिबन डालना है इधर से ऐसे करके। तो हम लोग ये दो पीस मोती डाल दिए हैं, अभी सितारा डालेंगे। तो सितारा डाल दिए यहाँ, तो अभी हम लोग को ये रिबन डालना है यहाँ, बस ऐसे डाल दिए हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ बैठाना है। देखिए, तो दोनों साइड से हम लोग का ये बैठ गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ फोर पीस मोती डालना है इधर, यहाँ फिर ऊपर में सितारा डालना है हम लोग को। देखिए, ये हम डाल दिए हैं, हम लोग को अभी यहाँ फोर पीस मोती डालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग इधर दो पीस डाले, फिर इधर दो पीस डाले, हम लोग यहाँ तीन पीस डाले हैं। यहाँ तीन पीस इसलिए डाले हैं कि ये ना उठ जाए बोल के। तो अभी हम लोग को इधर चार पीस डालना है, इधर चार पीस पूरा लंबा डालना है। और जहाँ हम लोग को ये नीचे बैठाना होगा, वहाँ हम लोग इधर भी दो पीस फिर तीन पीस डालेंगे, तो माला ये जो मोती है ना वो नहीं दिखेगा, तो अच्छा दिखेगा इसका गार्लैंड। तो देखिए फ्रेंड्स,
हम लोग जैसे यहाँ डाले थे वैसे ही हम लोग इधर डाले हैं, तो हम लोग का ये हिसाब से डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बीच में हम लोग का 8 लेयर डाले हैं और ये साइड साइड का दोनों मिला के हम लोग का 10 लेयर हो गया। तो हम लोग इधर इधर रिबन एक लेयर में डाले हैं, इधर एक लेयर में रिबन डाले हैं। तो देखिए मैं मोती कैसे डालना है वो भी बताई हूँ, इधर इधर जैसे डालना है हम लोग को यहाँ भी वैसे ही डालना है। तो अभी हम लोग का ये अभी हम लोग यहाँ वो जो तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग नेक के सामने डालेंगे। अभी ये हम लोग का 24 पीस मोती है बड़ा वाला और ये छोटा वाला भी है शाइनिंग। तो इतना से 24 पीस डालने से हम लोग का अच्छा साइज आता है गर्लैंड। ये होली कम्युनियन का गर्लैंड है ना, इसीलिए हम लोग को 24 पीस डालना है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ डालेंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे डाल दिए हैं। तो अभी जैसे हम लोग इधर डाले थे ना गर्लैंड फ्लावर को, तो हम लोग इधर भी ऐसे ही डालेंगे। दोनों साइड से ही ऐसे ही डालना है, कुछ अलग करना नहीं है, बस ऐसे ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग दोनों साइड से गर्लैंड को सेटिंग करके कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए यहाँ जो 4 मोती डाले थे ना, तो दोनों साइड से यहाँ 4 मोती ही डालना है। और हम लोग को यहाँ ये बड़ा वाला मोती में इसको गांठ लगाना है, तो इसको अभी हम लोग गांठ लगाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ इसको गांठ लगा दिए हैं। अभी हम लोग को ये वाला डालना है, ये फॉर्म फ्लावर को यहाँ डालना है सितारा डाल के। तो देखिए हम लोग ये नीचे का भी हम लोग बना के कंप्लीट कर दिए हैं। जो हम लोग यहाँ डाले थे वैसे ही नीचे भी डालना है लास्ट में। और हम लोग इधर इधर हम लोग को मोती डालना है, जस्ट हम लोग को ये सितारा डाल के फॉर्म फ्लावर डालना है। उसके बाद हम लोग को 3 पीस मोती डाले हैं, उसके बाद सितारा, उसके बाद ये रिबन हम लोग डाले हैं। और यहाँ का तो हम लोग को यहाँ 2 पीस मोती डालना है और इधर भी 2 पीस, उसके बाद हम लोग को रिबन और सितारा। तो देखिए हम लोग ये बना के कम्प्लीट कर दिए हैं उसका जो लटकन है। तो ये बनाने के लिए मैं पिछले वीडियो में डाली हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख के बना सकते हैं कि इसमें हम लोग कैसे बनाए हैं उसको। तो देखिए हम लोग का ये लटकन भी कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग को ये लटकन को इधर से डालना नहीं है, इधर से डालना है, ऐसे करके डालना है, तो ये अच्छा बैठेगा। यहाँ देखिए ऐसे बैठना चाहिए हम लोग का लटकन, तो उसमें माला कम्प्लीट दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग के लटकन को भी लगा के कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ। तो ये हम लोग का होली कम्युनियन गर्लैंड्स रेडी हो गया है फॉर्म फ्लावर का। तो फ्रेंड्स देखिए, तो वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू।